नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिण दिल्ली में। आपको बता दें, एक शख्स जिसकी मौजूदा दोनों सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार, दोनों सरकारों के पास गुहार लगाते लगाते ये शख्स बिल्कुल मजबूर है, लाचार है। दोनों ही सरकार ने इसकी सारी जो भी अर्जी इनके द्वारा लगाई गई हैं, सारी अर्जियाँ अस्वीकार कर दी और उनकी तरफ से इनको कोई भी सहायता, कोई भी मदद नहीं दी जा रही। ये शख्स इतना परेशान है, इतना लाचार है कि अब ये अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। गलत गलत तरीक़ों से इस शख्स को फंसाया जा रहा है और बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है। आइए हम जानते हैं भूपेंद्र सिंह जी की कहानी, उनकी ही जुबानी। भूपेंद्र जी, ज़रा हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएंगे ज़रा क्या बीती है आपके ऊपर। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह फोगाट है, जो कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर 3 सप्ताह की फरलो पर बाहर आया हूँ और मैं अपने सभी उच्च अधिकारी, दिल्ली सरकार एवं केंद्र सरकार सबसे एक विनती, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने हेतु एक प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दिल्ली शहर में सफदरजंग इनक्लेव में 6 दादालाई प्रॉपर्टियाँ हैं, जो कि जेल से बाहर रहने के दौरान सभी का किराया मैं ही लेता था और उनकी देखरेख भी मैं ही करता था, जो कि मुझे मेरे पिताजी से प्राप्त हुई हैं सभी प्रॉपर्टियाँ। मगर मेरे जेल में जाने के बाद मेरे कुछ रिश्तेदारों ने षड्यंत्र रच के मेरी पत्नी व मेरे सालों व अन्य लैंड माफिया के साथ मिलकर मेरी सभी प्रॉपर्टियों पर गैरकानूनी तरीके से फर्जी एग्रीमेंट कर गैरकानूनी रूप से किराएदार रखे हुए हैं, बिगर वेरिफिकेशन के किराएदार रखते हैं और मुझे पिछले 10 साल से ना कोई जेल में कोई खर्चा दिया जा रहा है और लाखों रुपए हर महीने मेरा किराया वो लोग लेते आ रहे हैं और मैं अपनी पैरवी करने के भी पैसे नहीं है मेरे पास, सुप्रीम कोर्ट अपील करने के भी कोई साधन नहीं है मेरे पास। अंदर से मैंने कोशिश करी मगर अंदर से भी जो मैं चाहता हूँ वकील मुझे जिस तरह का मिले, जो मेरी बात आगे रख सके, वो वकील भी नहीं मिल रहा है मुझे और मेरी समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि आज की डेट में मुझे मेरे गांव में जाता हूँ तो उसके लिए मना हो गया है, क्योंकि बार बार मेरी पत्नी द्वारा मेरी झूठी कंप्लेंट लगाई जाती हैं कि हमें जान का खतरा है, हमें ये मार देगा, वो कर देगा, जबकि मैं लगातार 5-6 बार पैरोल फरलो पर आ चुका हूँ और हर बार आदेश अनुसार थाने के अंदर हाजिरियाँ देता हूँ, समय अनुसार जेल में सरेंडर करता हूँ, मगर फिर भी आज मेरे पास 5 प्रॉपर्टी होने के बावजूद मैं आज अपनी सिस्टर के घर, बहन के घर बैठा हुआ हूँ और 5 प्रॉपर्टी, 5 बिल्डिंगें होने के बावजूद मेरे पास आज एक अपने लिए रहने के लिए कमरा तक नहीं है, खर्चे के लिए पैसा नहीं है जिससे कि मेरा गुजर बसर हो सके, आगे मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं, जो कि जिस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए मैंने सालों साल मेहनत की है, जो मेरे पूर्वजों ने, मेरे पिताजी ने मेरे लिए छोड़ा था, वो आज मेरे पास नहीं है। मेरे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? मैं, मेरे पास अपनी बात रखने तक के वो नहीं है कि मैं अपनी पसंद का वकील कर सकूं, उसकी फ़ीस दे सकूं। भूपेंद्र जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप पैरोल पर बाहर हैं, तो किस चीज़ की सज़ा काट रहे हैं, क्या आपने ऐसा किया था जिसकी आप सज़ा काट रहे हैं, क्या बताएंगे? ये मुझे 2010 में एक झूठे मर्डर केस में फंसा दिया गया था और मर्डर केस मुझ पर मेरे लड़के का लगाया गया था जी, और उस दौरान मेरी दिमागी हालत ख़राब थी बाहर से ही और मेरे जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सब घर पे रह गए थे और मेरी तरफ से कोई था नहीं, ना मेरे मदर थी ना मेरे फादर, सब एक्सपायर हो चुके थे पहले ही, मेरे किसी सगे संबंधी ने मेरी पैरवी नहीं की, जिस कारण मैं खुद अपनी पैरवी भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं वहाँ जेल में जाने के बाद मेरा जेल हॉस्पिटल में एडमिट रहा मैं और मेरा जेल में इलाज चलता रहा दिमाग का, और इधर मेरा ट्रायल भी चलाया गया, जिस वजह से मेरे को कुल 22 महीने के अंदर आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई और बाहर मेरी सभी प्रॉपर्टियों को हड़प करने की एक साजिश चली गई और सभी प्रॉपर्टियां मेरी हड़प कर ली गई और आज मैं उन अपनी प्रॉपर्टियों को बचाने के लिए बाहर पैरोल फरलों पर आता हूँ
और कोशिश करता हूँ दिल्ली सरकार से एवं सभी उच्च अधिकारियों से गुहार लगाता हूँ बार बार कि मेरी अधिकारों की मेरी रक्षा करिए, मेरा ट्रायल कैंसिल करवाया जाए, दोबारा से ट्रायल चलाया जाए और दोषियों को सज़ा दिलवाई जाए जिन लोगों ने मुझे फंसाया है। जैसे कि आपने देखा, हमने भूपेंद्र सिंह फोगाट जी से बात करी, उनका यही कहना है कि उनको एक षड्यंत्र के द्वारा फंसाया गया है जिससे उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है और अभी वो पैरोल पे बाहर है। उनकी लगभग सभी प्रॉपर्टियां जो हैं हथिया ली गई हैं उनके जेल, जब वो जेल में गए थे उस दौरान। अब देखना यह है कि सरकार आखिर कब इस पर ठोस कदम उठाती है, कब दोषियों पर कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अब बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।